नमस्कार दोस्तों, मैं मधुस्मिता आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरी वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये कुकिंग बेस्ड चैनल है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कचौरी और आलू की सब्ज़ी, जो कि बिना ऑनियन और बिना गार्लिक के बनेंगे। कचौरी वो भी उड़द दाल की कचौरी और आलू की सब्जी। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम ले लेंगे, इसे मैंने यहाँ पर ले लिया है उबला हुआ आलू। इसके मसाले में जाएगा 1 इंच का अदरक ले लिया है, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 1 चम्मच धनिया, ये तो साबुत धनिया है ये, और ये है बेसन जो कि 1 बड़ा चम्मच है। पहले हम चलिए इस मसाले को पहले ब्लेंड कर लेते हैं। इसमें धनिया और ये अदरक मिर्ची और टमाटर और ये बेसन डालकर हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए ऐसा ही पेस्ट बनना चाहिए। यहाँ पर मैंने बेसन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पर ऑनियन गार्लिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सब्ज़ी को थोड़ा बॉडी देने के लिए बेसन देते हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं। पहले कढ़ाई में तेल ले लेंगे, रिफाइंड ऑयल। इसमें थोड़ा सा कलौंजी जाएगा, कलौंजी से इसका अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा सौंफ जाएगा, हींग थोड़ा ज़्यादा क्योंकि ये हींग का फ्लेवर होगा अच्छा। इसमें ये पेस्ट डाल देंगे, मसाला पेस्ट। इसी को धोकर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, ये तो मसाला जल जाएगा। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी डालेंगे। मसाला एकदम अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम अपना ये उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। आलू को थोड़ा रफली मैश कर ले, उसके बाद इसमें डालेंगे। ऐसे ही आपको रफली मैश करना है। अब इसको ऐड कर देंगे इस मसाले। अब इसे मसाले के साथ अच्छे से आलू को मिला लेंगे, भून लेंगे 2 मिनट। इसमें ऐसे भून लेने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ऐड कीजिए, जितना आपको ग्रेवी चाहिए नहीं ऐड कीजिए। अब इसे हम लो फ्लेम पर इसके ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 से 6 मिनट बाद देख लेते हैं, आलू की सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसे उबला हुआ मटर लिया है, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी ये बनता है। थोड़ा सा मटर ऐड कर लेंगे। उबाल के डालने से मटर का ख़राब नहीं होता, कलर ख़राब नहीं होता। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। अपना आलू का सब्जी एकदम रेडी हो गया, हींग वाली आलू की सब्जी एकदम रेडी। चलिए अभी अपना उड़द दाल की कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उड़द दाल ले लिया है, जो कि बिना छिलके वाला उड़द दाल है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप उड़द दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगो लिया था। धो के साफ के लिए इसका एक पेस्ट बनाएंगे। इसमें हमें चाहिए होगा थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च, जिसको इसके साथ मिलाकर हम ग्राइंड कर लेंगे। चलिए इसका एक पेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद आटा लगाएंगे। देखिए ऐसा पेस्ट आपको बना लेना है। चलिए अभी हम अपना आटा लगाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप आटा ले लिया है, सूजी 1/2 कप। सूजी से इसमें अच्छा सा एक क्रिस्पी टेस्ट आता है, क्रिस्पी हो जाता है कचौरी। ये उड़द दाल का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, ये सौंफ का पाउडर जैसे मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच डाला है, थोड़ा सा ऑयल। तो अच्छे से हम हाथ से मिला लेंगे, क्योंकि पहले से ही उड़द दाल में थोड़ा मॉइस्चर है, उसी मॉइस्चर में पहले हम गूंदेंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर पानी डाल के गूंद लेंगे। पहले हाथ से ऐसे सबको मिला लेंगे, क्योंकि हमें एक टाइट डो इसका लगाना है। थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पर टाइट डो बना लेंगे। अब इसी स्टेज में थोड़ा सा हींग ऐड कर लेंगे। आटा एकदम रेडी हो गया, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको रेस्ट देंगे 20 से 25 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। 25 मिनट हो गए हैं, देखते हैं आटा एकदम सेट हो गया है। देखिए चलिए इसके पेड़े बना लेते हैं, उसके बाद ना कचौरी तल लेते हैं। यहाँ पर सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए, चलिए इसे बेलकर अभी तल लेते हैं। तलने के लिए तेल ले लेंगे कढ़ाई में। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अभी हम इस फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे, उसके बाद ना कचौरी तलेंगे। ज़्यादा पतला मत तलिए, नहीं थिकनेस रहना चाहिए कचौरी का। चलिए अभी तल लेते हैं। Thank you.
के लिए ऐसे ही हम सारे कचौरियाँ तल लेते हैं। देखिए हमारे सारे कचौरियाँ फ्राई होकर रेडी हो गई हैं। चलिए अभी हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए हमारी क्रिस्पी करारी कचौरी, उड़द दाल की कचौरी और हींग वाली आलू की सब्जी एकदम रेडी हो गई है। ब्रेकफास्ट के लिए एकदम बेस्ट है। देखिए इतनी करारी बनी है, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए इतना अच्छा कचौरी बना है। कैसा लगा रेसिपी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई चीज़ें ला सकूँ। चलिए आज मुझे विदा दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।